कॉर्नवालिस तो बहुत शानदार पढ़ाऊंगा इसको ना, इसके कारनामे सुनोगे तो एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, अरे बाप तो महान आदमी। अरे मोहम्मद गौरी ने देश पे कब्जा किया समझ में आता है, राजा था सेना लेकर आया। बाबर ने कब्जा किया समझ में आता है, राजा था सेना लेकर आया। इन व्यापारियों ने कैसे देश पे कब्जा कर लिया यार, वही कमेंट सुन के तो मजा आ रहा है, उसी से उत्साह बढ़ रहा है पढ़ाने के लिए कि देखो इस देश में ऐसे अंग्रेजों ने कब्जा किया होगा। डिप्टी दीवान के पद को खत्म कर दिया और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक नए विभाग की स्थापना की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जिसको भी अपना घर मजबूत करना है, जिसको भी अपना राष्ट्र मजबूत करना है, सबसे पहले क्या मजबूत करना है, आर्थिक दशा। उसी को लेकर हुआ ओपियम वॉर। तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त, तुम करोगे। इंडिया में अगर तुम पैसा दिए उधार किसी को तो दो चीज जाएगी, एक पैसा जाएगा और एक रिश्ता जाएगा। लग गई बोली, 5 करोड़ की पैसा मांगने का 40 लाख रुपया मिला, कंपनी विक्टिम हो गई। किसकी? फाइनेंशियल क्राइसिस। भारत की जो सबसे रॉयल नौकरी है वो है जुडिशियल, दीवानी अदालत सिविल मामलों के लिए, फौजदारी अदालत क्रिमिनल मामलों। सर इंग्लिश कैसे सीखे? अरे किसी अंग्रेज लड़की से अफेयर कर लो, उसकी बात समझनी होगी तो फिर इंग्लिश सीख ही लोगे अपने। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। वो विलियम सेकंड जर्मनी का राजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चारों तरफ तलवार चला रहा है, सबसे लड़ रहा है, आगे पीछे हर तरफ, सब मिलकर बहुत मार मार रहे हैं उसको, तैयारी कर रहे हैं, उसे प्यार कर लिए, पटीदारी में झगड़ा निपटवा रहे हैं, जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जय हिंद फ्रेंड्स। आज जिन दो लोगों को मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस, अल्टीमेट तो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उसको बनाओ। ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने फाउंडेशन रखी, रॉबर्ट क्लाइव ने। अरे मोहम्मद गौरी ने देश पे कब्जा किया समझ में आता है, राजा था सेना लेकर आया। बाबर ने कब्जा किया समझ में आता है, राजा था सेना लेकर आया। तैमूर ने लूटा, राजा था सेना लेकर आया। नादिर शाह ने लूटा, राजा था सेना लेकर आया। ये व्यापारी, इन व्यापारियों ने कैसे देश पे कब्जा कर लिया यार, ये बात तुम्हारे दिमाग की लाइट को जलाती नहीं है? तुम सोचने पर मजबूर नहीं होते कि कैसे यार इतना दिमाग? एक व्यापारी कंपनी, मतलब रिलायंस व्यापार करने जाए अमेरिका में और व्यापार करते करते अमेरिका पे कब्जा कर ले। तो फाउंडेशन रखी रॉबर्ट क्लाइव ने, इस फाउंडेशन को मजबूत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। लिखना है यहां पे किस फाउंडेशन को मजबूत किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। और किसने किया? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने इस मजबूत फाउंडेशन पे घर किसने बनाया? वेलेसली ने और लॉर्ड हेस्टिंग ने। इस मजबूत घर को सजाया किसने? विलियम बेंटिक ने और डलहौजी ने। हमारी जितनी बेटियां घरों में रह रही हैं, जितनी टेंशन ना ले, जितनी बेटियां बच्चे हमारे घरों में गांव में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो। इस घर को सजाया किसने? विलियम बेंटिक ने। और किसने सजाया? डलहौजी ने। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता क्या है? जो तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है और जब लोग उस पर हमला करते हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है उसको प्रोटेक्ट करने की। तुम सोचो कोई आदमी फ्री पढ़ा रहा है, फ्री पढ़ा रहा है, फ्री गाइडेंस दे रहा है, सब कुछ फ्री कर रहा है, और उसको अगर कोई आदमी गाली दे रहा है और तुम उसको सुन रहे हो तो तुम तो गुरु दक्षिणा दे ही नहीं रहे हो। पैसा नहीं है, जज्बा भी नहीं है। मान लो, चलो मान लिया पैसा नहीं है, जज्बा भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, हैं? बताओ।
बताओ। और जब तुम उन टीचरों को जो पढ़ा रहे हैं तुमको उनके साथ खड़े हो जाओगे तो इनको भागना पड़ेगा। इसको बहुत सारे लोगों को ना ना कमेंट वमेंट ऑफ क्यों करेंगे यार, कमेंट थोड़ी ऑफ करना है, मतलब तुम तो बता रहे हो कमेंट ऑफ कर दो, वही कमेंट सुन के तो मजा आ रहा है, उसी से उत्साह बढ़ रहा है पढ़ाने के लिए कि देखो इस देश में ऐसे ही अंग्रेजों ने कब्जा किया होगा, बंगाल को मारा मैसूर वाला मजा ले रहा था, मैसूर को मारा मराठा वाला मजा ले रहा था, मराठा को मारा सिंध वाला मजा ले रहा था, सिंध को मारा पंजाब वाला मजा ले रहा था, पंजाब को मारा फिर अवध को मारा। तो आज हम लोग पहले हमने ये पढ़ा, ये डायग्राम पूरा बना लो, ऐसे ही जैसे मैं पढ़ाना पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ो, ये पूरा डायग्राम बनाओ, लिखो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन किसने रखी, इसने फाउंडेशन रखी रॉबर्ट क्लाइव ने, इस फाउंडेशन को मजबूत किसने किया, अब क्वेश्चन मार्क लगाओ यहां पे तभी पता चलेगा कैसे मजबूत हुआ, इसको मजबूत किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने। इस मजबूत फाउंडेशन पे घर किसने बनाया, महल, महल बनाया वेलेसली और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सही कह रहे हो, वाह लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और इस महल को सजाया किसने, इस महल को सजाया किसने, इस महल को सजाया विलियम बेंटिक और डलहौजी ने। इन सब पे क्वेश्चन मार्क लगा लो कि पता करना है मजबूत कैसे किया, इस मजबूत फाउंडेशन पर महल कैसे बना, कैसे महल बना, ये सब पता, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, अंडरलाइन करने के बजाय क्वेश्चन मार्क लगाया करो यार, ठीक है। अब देखो कहानी, अब हेडिंग डालो वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, 1772 से 1785। नोट्स भी चाहिए क्या, नोट्स की व्यवस्था कराऊं, बताओ वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है फाउंडेशन को मजबूत करना, बस अब जितने भी ये कदम उठाएगा फाउंडेशन को मजबूत करना ये प्रायोरिटी है, अब ये जितने भी कदम उठाएगा उसमें तुमको यही बात पढ़नी है कि फाउंडेशन रखा किसने था क्लाइव ने, ये किस लिए आया, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आया, तो इसका काम है फाउंडेशन को मजबूत करना। अभी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए धन चाहिए, ई इज इक्वल टू ई, इकॉनमी इज इक्वल टू एम्पायर, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए धन चाहिए, ई इज इक्वल टू ई, इकॉनमी इज इक्वल टू एम्पायर, जिसने भी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया वो साम्राज्य बन गया। तुम कहोगे मास्टर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ब्रिटेन, दूसरा एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा एग्जाम्पल चाइना, और चौथा हम बनने जा रहे हैं इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अब वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, पहला कदम क्या उठाएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पहला कदम वॉरेन हेस्टिंग्स का होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको भी अपना घर मजबूत करना है, जिसको भी अपना घर मजबूत करना है, जिसको भी अपना राष्ट्र मजबूत करना है, सबसे पहले क्या मजबूत करना है, आर्थिक दशा। अमेरिका की ताकत किस पर निर्भर करती है, एप्पल पे, चाइना की ताकत किस पर निर्भर करती है, वन प्लस पे, साउथ कोरिया की ताकत किस पर निर्भर करती है, सैमसंग पे, भारत की ताकत लावा पे, पाकिस्तान के बेचारे की ताकत है नहीं, वो लावा बम बनाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चैट सिंह एपिसोड, चैट सिंह एंड
बेगम्स ऑफ अवध एपिसोड, क्वेश्चन मार्क लगाओ। चैत सिंह कहां का राजा? बनारस का। और बेगम्स ऑफ अवध, अवध का बड़ा एरियर पड़ा हुआ था, बकाया धन, तो अवध का बड़ा एरियर पड़ा हुआ था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा अवध से कि पैसा काहे नहीं भेज रहे हो? कहा हुजूर पैसा तो है नहीं। बोले मालिक पैसा तो है नहीं, लेकिन मालिक हमारी ये जो घर की महिलाएं हैं इन्होंने बड़ा पैसा दबा के रखा है मालिक, अगर आप परमिशन दो तो इन पर जबरदस्ती करके हम निकाल लें। अरे बोले परमिशन, पूरा परमिशन है तुमको? बोले पूरा परमिशन है तुमको, जाओ। चैत सिंह बनारस, इससे वसूली की भयंकर वसूली। तो पहला काम चैत सिंह और बेगम्स ऑफ अवध एपिसोड, अवैध वसूली लिख लो, इलीगल एक्सटॉर्शन, पर किया बड़ा संवैधानिक तरीके से, पहला इंसिडेंट। दूसरा कमर्शियल रिफॉर्म्स, कमर्शियल रिफॉर्म्स, कमर्शियल, कमर्शियल रिफॉर्म्स। अब जो देखो वही वसूली चालू है, अगर राज्य नहीं होगा तो हर चौराहे पे वसूली होगी। अब 1757 से 1765 या 1772 राज्य गायब था, 1757 से 1772 राज्य स्टेट, स्टेट हैज डिसअपीयर्ड। हर गली चौराहे, हर शहर, सब जगह वसूली चल रही थी। इससे क्या हो रहा था? इससे ट्रेड एंड कॉमर्स पर प्रभाव पड़ रहा था। अरे हर जगह वसूली होगी, हर चौराहे पे वसूली होगी, तो फिर इसने कहा 5 कस्टम हाउसेस, सिर्फ 5 कस्टम हाउसेस, पूरे बंगाल बिहार ओडिशा में 5 कस्टम हाउसेस, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद एटसेट्रा, सिर्फ 5 कस्टम हाउसेस, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद एटसेट्रा, 2 पता कर लो, एटसेट्रा मतलब बाकी 2 हमें याद नहीं। तो दूसरा काम यह किया, कमर्शियल रिफॉर्म्स। तीसरा काम प्रोटेक्शन टू वीवर्स, प्रोटेक्शन टू वीवर्स, बुनकरों को सुरक्षा, कस्टम हाउस मतलब। अरे जब सामान एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाएगा तो कस्टम ड्यूटी, ट्रेड ड्यूटी नहीं ली जाएगी क्या यार अमित राज, तुम कस्टम हाउस मतलब पूछ रहे हो? प्रोटेक्शन टू वीवर्स एंड गुड रिलेशंस विद, गुड रिलेशंस विद तिब्बत एंड भूटान टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। तिब्बत और भूटान से अच्छा संबंध किस लिए? जिससे कि बाह्य व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। तिब्बत और भूटान देखो, क्योंकि ये दोनों दरवाजे हैं, तिब्बत दरवाजा कहां का है? चीन का। और भूटान दरवाजा कहां का है? इंडो चाइना का। लिख लो यहां पे, तिब्बत दरवाजा कहां का है? चीन का। और भूटान दरवाजा कहां का है? इंडो चाइना का, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इन दोनों देशों से अच्छा रिश्ता बनाया, जिससे चीन के साथ व्यापार, अफीम, चीन को अफीम भेजना है और इंडो चाइना से सिल्क मंगाना है और मसाला मंगाना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पैसा चाहिए राज्य को मजबूत करने के लिए, पैसा चाहिए। अब कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं है, राज्य है, और राज्य को मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए। तो पहला काम वॉरेन हेस्टिंग करेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। चैत सिंह और बेगम ऑफ अवध प्रकरण, चैत सिंह और अवध की बेगमों का प्रकरण, अवैध वसूली, कमर्शियल रिफॉर्म्स, वाणिज्यिक सुधार, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक सुधार, जिसमें सबसे बड़ा काम क्या किया? 5 कस्टम हाउस, बाकी सब बंद करा दिया। तो अवैध वसूली, वाणिज्यिक सुधार, बुनकरों को प्रोटेक्शन और
भूटान और तिब्बत से बेहतर संबंध, जिससे कि चीन और इंडो चाइना से व्यापार को बढ़ाया जा सके। पांचवा कदम जो इसने उठाया, भारत एग्रीकल्चरल, कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चरल कंट्री, और एग्रीकल्चरल कंट्री में आय का सबसे बड़ा स्रोत एग्रीकल्चर, तो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म अब 1772 में, 1772 से 1785 दीवानी कब मिली थी कंपनी को? 1765 में कंपनी को दीवानी मिली, 1765 में। और कल मैंने बताया कि कंपनी विदेशी, कंपनी व्यापारी, उसको भारत की आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, सांस्कृतिक दशा कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया 1765 में? डेप्यूटी दीवान की नियुक्ति कर दी। डेप्यूटी दीवान 1765 में डेप्यूटी दीवान की नियुक्ति कर दी कि भैया तुम पैसा कलेक्ट करके हमको दे दो, अभी हमें कुछ पता नहीं है। और यह व्यवस्था चली 1765 से 1772 तक। कंपनी के सामने कई उद्देश्य थे, कई चुनौतियां थी, कंपनी को पैसा चाहिए था। तो 7 साल बाद वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया इस व्यवस्था का? डेप्यूटी दीवान के पद को खत्म कर दिया। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक नए विभाग की स्थापना की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह, डेप्यूटी दीवान का पद खत्म कर दिया और 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कलकत्ता में। और फिर पहला काम किया, अवैध वसूली किया पैसा निकालने के लिए, कमर्शियल रिफॉर्म्स, वाणिज्यिक सुधार किए, 5 कस्टम हाउसों की स्थापना की, फिर बुनकरों को प्रोत्साहन दिया, फिर तिब्बत और भूटान से अच्छे संबंध स्थापित किए। तिब्बत से क्यों? जिससे कि चीन के साथ अफीम व्यापार, चीन को अफीम बेचा जा सके, ओपियम ट्रेड, उसी को लेकर हुआ ओपियम वॉर। भूटान के साथ अच्छे संबंध किए, जिससे कि इंडो चाइना के साथ अच्छे संबंध हो सके और इंडो चाइना से क्या मंगा सके? रेशम और मसाला। लेकिन पांचवा काम, लैंड रेवेन्यू। अमित राज, उल्टे सीधे क्वेश्चन ना करो, चुपचाप बैठे रहो, जब कहेंगे तब पूछना। शादी कर ली उसके बाद बच्चा सीक्रेटली पैदा करके सीक्रेट होम में रखोगे? अब राज्य बन गए हो तो ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं करोगे? तुम्हारी भी गलती नहीं है दोस्त, तुम करो क्या? लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म। अब अकबर की तरह प्रयोग तो कर नहीं सकते, जल्दी पैसे की जरूरत है, कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स करना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को 4,00,000 पाउंड पर ईयर का टैक्स देना है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मराठा से निपटना है, मैसूर से निपटना है, बंगाल के राज्य को बहुत मजबूत करना है, बहुत पैसा चाहिए। क्यों बहुत पैसा चाहिए? कंपनी के पास टारगेट बहुत है, ट्रेड एंड कॉमर्स। कंपनी तो ट्रेडिंग कंपनी है ना, तो उसको ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाना है। फिर भारत में एक्सपेंशन करना है, विस्तार एक्सपेंशन करना है। फिर 1767 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से इन्होंने कहा कि हम आपको पर ईयर 4,00,000 पाउंड देंगे, यह भी देना है। फिर अपने उपलब्धि को कंसोलिडेट करना है। देखो कितना काम है कंपनी के पास, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना है, भारत में साम्राज्य का विस्तार करना है। 1767 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रॉमिस कर चुके हैं कि 4,00,000 पाउंड। पार्लियामेंट ने कहा, भाई तू हमारे यहां की कंपनी हो, इतना माल दबा रहे हो तुम लोग, हमको कुछ नहीं दोगे? बोले साहब एकदम देंगे साहब। तो बोले हमको क्या दोगे? बोले साहब 4,00,000 पाउंड पर ईयर देंगे साहब। हाँ बोले ये ठीक है, 4,00,000 पाउंड पर ईयर दो, और बंगाल की उपलब्धि को कंसोलिडेट करना है। सी इज इक्वल टू सी, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। तो अब किसकी तरफ पलटना है? एग्रीकल्चर की तरफ पलटना है।
और एग्रीकल्चर में किसको निशाना बनाना है? लैंड रेवेन्यू को, भू राजस्व, क्योंकि सबसे ज्यादा का पैसा कहां से आएगा? भू राजस्व से। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन स्टेट। अब टाइम तो है नहीं, पैसा तुरंत चाहिए, तो इसने क्या किया? ऑक्शन सिस्टम को इस्तेमाल किया, बोली लगाई। ऑक्शन सिस्टम, बोली, इन सब काम के लिए पैसा चाहिए और तुरंत चाहिए। ऑक्शन सिस्टम, ऑक्शन, बोली, जमींदारों को निगलेक्ट कर दिया। ट्रेडिशनल जमींदार्स वर निगलेक्टेड और क्विनक्विनल सेटलमेंट किया टाइम पीरियड के लिए। अब बोली लगाने के लिए कोई कितनी भी बोली लगा दे, और इंडिया का आदमी जब पैसा मांगने आता कैसे हाथ जोड़ के गिर जाता है? भैया मां का सब बता रहे, भैया दे देंगे, भैया 10 दिसंबर को दे देंगे। भैया 10 दिसंबर कब? 2024? 3024? नहीं नहीं भैया, 10 दिसंबर। हाँ तो 10 दिसंबर कौन सा? इंडिया में अगर तुम पैसा दिए उधार किसी को तो दो चीज जाएगी, एक पैसा जाएगा और एक रिश्ता जाएगा। और यहां जब लोग पैसा मांगने आते हैं तो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, और जब तुम वापस अपना पैसा मांगने जाते हो तो तुम गिड़गिड़ाते हो। तो हम इन भारत के लोग, हमें एक ही बैंक आता है लेना, बैंक देना बैंक आता ही नहीं। बाहर में जा रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं कराएंगे, पीवीआर में जा रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं कराएंगे, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं कोई डिस्काउंट, पढ़ने आएंगे तो कहेंगे बहुत गरीब है सर, सर पैसा नहीं है सर। कुछ लोगों के पास नहीं है ये भी सच है, कुछ लोगों के पास नहीं है ये भी सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग आके कह रहे हैं जिनके पास नहीं है। मैंने कई लड़कों को ऐसे देखा जिनके पास नहीं था लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मैंने कई लड़कों को देखा जिनके पास नहीं था, उन्होंने कहा ही नहीं। तो बोली लगानी थी, लगा दी बोली, ले थोड़ी पाओगे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट करने गई कि पैसे, बोले भैया करवा चौथ था, अभी तो भैया गणेश चतुर्थी भी थी है भैया, गुड्डुक मुंडन था भैया, राखी था भैया, गुड़िया थी, बसंत पंचमी था भैया, पूर्णिमा था। अभी बोले तुम लोग डेली त्योहार मनाते हो? कहे हाँ भैया, हम लोग का तो ऐसे ही जिंदगी चलता है भैया। बोले पैसा, बोले भैया पैसा तो नहीं है। लग गई बोली 5 करोड़ की, पैसा मांगने का 40 लाख रुपया मिला, कंपनी विक्टिम हो गई। किसकी? फाइनेंशियल क्राइसिस की, वित्तीय संकट खड़ा हो गया कंपनी के सामने। भाई तुम्हारे पिताजी ने कहा दिल्ली जाओ 50,000 रुपया महीना देंगे, तुम चले आए और तुम फिर उसी 50,000 रुपया के हिसाब से व्यवस्था करोगे, और पहले महीने में तुम्हारे पिताजी ने तुमको 7,000 रुपया भेजा, तुम तो खत्म गए। कंपनी बन गई विक्टिम किसकी? फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर कंपनी ने क्या किया? लोन मांगा। किससे? बैंक ऑफ इंग्लैंड से। कितना? 10 लाख पाउंड। और जैसे ही कंपनी लोन मांगा 10 लाख पाउंड, वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट को मौका मिल गया कंपनी की उपलब्धि पर हाथ रखने का कि बस बस बस, बस पैसा चाहिए ले लो। और इस लोन मांगने का परिणाम रहा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कंपनी ने कहा ठीक है पैसा चाहिए हम दे देंगे, लेकिन अब हम रेगुलेट करेंगे तुमको। और यहां पे इस कदम पे वॉरेन हेस्टिंग फेल कर गया। उसका ये एक्सपेरिमेंट न सिर्फ फेल किया बल्कि कंपनी के लिए घातक भी बना, क्योंकि कंपनी वित्तीय संकट का शिकार हो गई और उसे 10 लाख पाउंड का लोन मांगना पड़ा। यह तो उसने किया पहला काम, आर्थिक सुधार वॉरेन हेस्टिंग ने। अब जब आर्थिक सुधार किया, कुछ तो किया ही उसने, अब जब उसने आर्थिक सुधार किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, तो फिर उसने दूसरा कदम उठाया पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक सुधार। अब स्टेट के 3 पिलर होते हैं, पहला विधायिका,
लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा जुडिशरी। पहला लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल यह लेजिस्लेचर का काम करती थी। कार्यपालिका क्लाइव ने बना ही दिया था, सीसीएस, बचा क्या? जुडिशरी। और जुडिशरी के बिना राज्य नहीं चल सकता, चल तो वो इन दोनों के बिना भी नहीं सकता, लेकिन जुडिशरी जुडिशरी इज द सोल ऑफ स्टेट। जुडिशरी राज्य की आत्मा है। न्याय करना किसका काम है? भगवान का। इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल है वो जुडिशरी का। आज भी भारत में, दुनिया की, और भारत में तो खैर खासकर भारत की, जो सबसे रॉयल नौकरी है वो है जुडिशरी। अगर आईजेएस बन जाए, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, तो एक बहुत बड़ा तबका जुडिशरी की तैयारी करेगा। तो ये दोनों तो बन गया था, बचा था जुडिशरी। और जितनी मजबूत जुडिशरी उतना मजबूत स्टेट, लेकिन लोगों पे तुम वही कानून लागू कर सकते हो जो वो लोग समझते हैं। तो इसने क्या किया? मुगल मॉडल को अपनाया, मुगल मॉडल को अपनाया। 1772 में मुगल मॉडल को अपनाया, और हर डिस्ट्रिक्ट में इसने दो अदालतें स्थापित की, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, हर डिस्ट्रिक्ट में दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि डिस्ट्रिक्ट के न्याय से सब संतुष्ट हो जाएं। तो कलकत्ता में कोर्ट ऑफ अपील स्थापित किया गया, सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में। यह क्या है? कोर्ट ऑफ अपील है, यह कलकत्ता में है। सदर दीवानी अदालत हाई कोर्ट समझ लो, ये कोर्ट ऑफ अपील है, और सदर फौजदारी अदालत। सदर फौजदारी अदालत, और अगर कोई इनसे भी संतुष्ट नहीं हुआ, कोई स्पेशल मामला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता काउंसिल। लेकिन यहां मुकदमा रेयर केस में ही जाता था। दीवानी अदालत का इंचार्ज कौन था? कलेक्टर। दीवानी अदालत का इंचार्ज कौन था? कलेक्टर। यहां भी वॉरेन हेस्टिंग ने कोशिश की। अब इस कोशिश को फिर परिमार्जित किसने किया, सुधारा किसने, स्टैंडर्ड किसने बनाया? कॉर्नवालिस ने। वॉरेन हेस्टिंग की लैंड रेवेन्यू सुधार को किसने स्टैंडर्ड बनाया? कॉर्नवालिस ने। जुडिशियल सुधार को किसने स्टैंडर्ड बनाया? कॉर्नवालिस ने। द इनकम्प्लीटेड टास्क ऑफ वॉरेन हेस्टिंग वॉज कंप्लीटेड बाय कॉर्नवालिस। दीवानी अदालत सिविल मामलों के लिए, फौजदारी अदालत क्रिमिनल मामलों के लिए। और यहीं से मॉडर्न जुडिशरी की शुरुआत हुई। यहीं से मॉडर्न जुडिशरी की शुरुआत हुई। तो पहला काम उसने क्या किया? आर्थिक सुधार। दूसरा काम क्या किया? राजनीतिक सुधार। तीसरा काम, बड़ा जबरदस्त काम, थर्ड, तीसरा काम तो उसने और शानदार किया। और मतलब क्या मास्टर स्ट्रोक मारा उसने। वो पॉइंट याद रखना है, कौन सा?
पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? फाउंडेशन को मजबूत करना। पढ़ लो मस्ती से। छह महीना हम सब बैठ के पढ़ लो यूट्यूब पे फ्री, सबको बुलाओ। तुम यार भगत सिंह के देश के हो, चंद्रशेखर के देश के हो, राजेंद्र लहड़ी के देश के हो, असफाक उल्ला खान के देश के हो, प्रीति लता वाडेकर के देश के हो, तुम महारानी झांसी के देश के हो, छत्रपति शिवाजी के देश के हो, तुम राणा प्रताप के देश के हो यार, तुम अकबर के देश के हो, तुम राणा सांगा के देश के हो, और तुम डिप्रेशन के शिकार हो है? बताओ, तुम सम्राट अशोक के देश के हो, तुम बाबा साहब के देश के हो, हमारे तो भगवान है भीमराव अंबेडकर, हमारे लिए तो भगवान है, हमारी तो जिंदगी बदल दी भैया, एक ऐसा सूत्र पकड़ा दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और तुम मिमिया रहे हो है? तीसरा काम बताओ क्या किया उसने, बता ना पाओगे, पढ़ा चाहे जहां हो। और जो तुम्हें वो मैसेज भेज रहे हैं पीछे से कि अब ये लिखो वो लिखो, जरा एक बार उन्हीं से पूछ लो, सर इंग्लिश कैसे सीखे? अरे किसी अंग्रेज लड़की से अफेयर कर लो, उसकी बात समझनी होगी तो फिर इंग्लिश सीख ही लोगे अपने आप। अनुराग कश्यप कह रहे सर जी पौवा पी रहे हो, हाँ अगर तुम्हारे अब्बा पीते होंगे तो हम भी पी रहे हैं, अगर शाम को तुम्हारे पिताजी पीते होंगे। हाँ प्रांजल बहुत अच्छी बात बोला भाई, प्रांजल की बात को सुना जाए, गुरु दक्षिणा में एक पेड़ अवध ओझा सर के नाम लगाना सभी लोग, बहुत बढ़िया बात, इस पर एक ताली होनी चाहिए भाई, सब लोग जहां जा बैठे उस ताली बजाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तीसरा काम गौर करना, तीसरा काम उसने क्या किया, नोट्स बनाते रहो जिनकी तैयारी चल रही है, ये जो आईटी सेल वाले इनको जवाब मत देना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्यों क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों क्यों? अब टर्क्स जो थे, टर्क्स दिल्ली सुल्तान, विदेशी पर राजा, टर्क्स दिल्ली सुल्तान विदेशी पर राजा। अब विदेशी को अगर भारत में राज करना है तो भारत की संस्कृति राजनीति सबको समझना होगा, तो भारत की संस्कृति राजनीति को समझने के लिए भारत के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना होगा, तो फिरोज शाह तुगलक पहला दिल्ली सुल्तान है जिसने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद शुरू कराया। उसको बहन कर रहा है यार, लिखने तो बेचारे इसी बहाने लिख ले रहे हैं, किसी को बाइन वाइन हटाओ मत किसी को, जो जो लिख रहा है उसको लिख, जिसके माँ बाप ने जो सिखाया होगा, गुरु ने सिखाया होगा, ये सब लिख नहीं रहे, ये सब अपने परिवार की सूचना दे रहे हैं भाई, जो राजा के घर का होगा, जो अच्छे घर का होगा, संस्कार के घर का होगा। मुन्ना त्रिपाठी देखो जब बोलता है तो लग जाता है कि बेवकूफ के घर से आ रहा है, इसका बाप दुष्ट होगा, इसकी अम्मा दुष्ट होगी, दद्दा के यहां बैठा रह करा भैया, दद्दा तो अद्दा है। तो जब तुम बोलते हो तो तुम अपना बारे में ही नहीं बोलते, तुम अपने परिवार के बारे में भी बोल रहे होते हो। तो क्यों बनाया उसने, देखो इसको, तो तुर्क जो है विदेशी है लेकिन राजा है, तो भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति, भारत की सभ्यता समझनी है, तो फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है जिसने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद शुरू कराया। फिर अकबर, मुगल राजा अकबर, इसने क्या किया, इसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ही खोल दिया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोल दिया, रामायण ट्रांसलेट कराया, महाभारत कराया, पंचतंत्र कराया, और फिर फारसी और संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हुआ। ऐसे ही जब ये EIC के शासन की शुरुआत हुई, अब ये भी विदेशी और व्यापारी लेकिन बन गए राजा, अब इनको भी भारत की संस्कृति समाज और धर्म समझना है,
तो इन्होंने बनाया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किस लिए? ट्रांसलेशन के लिए। किसका ट्रांसलेशन? संस्कृत और पर्शियन ग्रंथों का अनुवाद। संस्कृत और पर्शियन ग्रंथों का। क्यों? क्योंकि जिससे भारत की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इसको समझा जा सके। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी किताबें ट्रांसलेट हुई? गीता ट्रांसलेट हुआ और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति और फतवाए आलमगीरी। ये तीसरा काम, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उसके समय का सबसे अहम काम। क्यों? क्योंकि कंपनी विदेशी है और कंपनी व्यापारी है, लेकिन अब कंपनी राजा बन चुकी है, तो राजा के रूप में उसे क्या करना होगा? भारत की रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर सब समझना होगा। उसको समझने के लिए भारत के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना होगा। कौन से ग्रंथ? पर्शियन और संस्कृत। और ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ ट्रांसलेट हुए, गीता, अभिज्ञान शकुंतलम, मनुस्मृति, फतवाई आलमगिरी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। चौथा काम जो उसने किया, उसने तो और शानदार काम किया। क्या बात है, वहां दौड़ा के तुरंत। सबको पढ़ना है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सबको पढ़ना है, सबको। मॉडर्न इंडिया बढ़ाएंगे, मॉडर्न इंडिया खत्म करेंगे। चौथे चैप्टर के बाद से थोड़ा स्पीड चेंज करेंगे, तब तक तुम लोग नोट्स बनाना, लिखना, सब चीज ऐड करना सीख जाओ। चौथा चैप्टर खत्म करने के बाद स्पीड थोड़ी तेज करेंगे और फिर पॉलिटी बढ़ाएंगे। पॉलिटी की एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमी बढ़ाएंगे। हम मस्ती से पढ़ो। चौथा और बड़ा काम किया और भयंकर काम कर डाला इसने। कौन सा? ट्रीटी ऑफ साल्बाई, साल्बाई की संधि 1782। किससे? मराठा से। साल्बाई की संधि, क्या महत्व है इस संधि का? अब 1775 में मराठा पेशवा, मराठा सरदार रघुनाथ राव, उसने मुंबई प्रेसिडेंसी में जाके कहा कि साहब, हमने सुना साहब आप लोग राजा बनाते हैं। बोले बिल्कुल, हमारा नया धंधा है, हमें वो कपड़ा वपड़ा मसाला वसाला नहीं बेचते, हम राजा बनाते हैं। देखो मीर जाफर को बनाया था ना, वो बाद में बेचारा बीमार पड़ गया, तो हमने सोचा कि चलो छोड़ेगा। फिर मीर कासिम को बनाया तुम लोगों ने, देखा उधर मुजफ्फर जंगवा को बनाया, फिर इधर चंदा साहिब को, हम लोग तो राजा ही बनाते हैं, बताओ। उसने कहा साहब हमको पेशवा बनना है। हाँ बोले बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। पढ़ाऊंगा आगे, जब वेलेसली पढ़ाऊंगा तब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बताऊंगा, साहब बताऊंगा। 1775 सूरत की संधि, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। चिंता करने कोई जरूरत नहीं, लिखाऊंगा सब। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स, इस फॉर्मूले को लिख लो। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। तैयारी कर रहे हैं, उसे प्यार कर लिए, पटीदारी में झगड़ा निपटवा रहे हैं, जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सबका दिमाग भगवान कृष्ण जैसा नहीं है कि प्रेम भी कर लेंगे और चक्र भी चला लेंगे और गाना भी गा लेंगे और महाभारत भी करवा लेंगे, इसीलिए भगवान है। मैच्योर आदमी एक समय में एक काम करेगा। वो विलियम सेकंड, जर्मनी का राजा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चारों तरफ तलवार चला रहा है, सबसे लड़ रहा, आगे पीछे हर तरफ सब मिलकर बहुत मार मारे उसको। एक समय में एक दरवाजा खोलो, जब वो काम पूरा हो जाए तब दूसरे दरवाजे को।
एक समय में कई काम मत करो। अब 1780 इनके लिए बड़ा क्रूशियल समय है। 1780 क्यों क्रूशियल है? क्यों क्रूशियल है? बड़ा क्रूशियल समय। क्यों क्रूशियल है? देखो क्यों क्रूशियल है। पहला बात, बंगाल में कंसोलिडेशन चल रहा है। बंगाल में कंसोलिडेशन चल रहा है, सशक्तिकरण। फिर मराठा युद्ध चल रहा है। पहला मराठा युद्ध चल रहा है और 1780 में एक नया कंटकट डाला इन्होंने। मतलब दो दरवाजा पहले ही खोल रखा था, एक तीसरा दरवाजा खोल दिया। कौन सा? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780। बंगाल में सशक्तिकरण, बंगाल में कंसोलिडेशन चल रहा है, बंगाल की उपलब्धि नवजात है। उधर मराठों से लड़ रहे हैं, उधर एक दूसरे शेर से झगड़ा शुरू कर दिए। मैसूर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, 10 लाख पाउंड लोन मांगे हैं। तो ये हुआ कि भैया अब क्या किया जाए। अरे तो बोले इसको रोको यार, फालतू में मराठा चला रहे हो। तो सिंधिया की मदद से सालबाई की संधि हुई और मराठों की तरफ से 20 वर्ष की शांति मिली अंग्रेजों को। और इस 20 वर्ष 1782 और 1802 तक उन्होंने दो काम पूरे कर लिए। बंगाल में अपने पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया और अपने सबसे बड़े दुश्मन मैसूर को विनाश कर दिया। और जब ये दो काम कर लिए तब 1802 में मराठों की तरफ पलटे। समझे? सिंधिया की मदद से, लिख लो, सिंधिया की मदद से सालबाई की संधि और अंग्रेजों को क्या मिला? 20 वर्ष की शांति मिली। 20 वर्ष की शांति किसकी तरफ से? मराठों की तरफ से। मराठों की तरफ से 20 वर्ष की शांति। और इस 20 वर्ष में यानी 1782 से 1802 इन्होंने दो काम किया। पहला काम किया, बंगाल में अपने आप को कंसोलिडेट किया, मजबूत बना लिया और अपने सबसे बड़े दुश्मन मैसूर को एलिमिनेट कर दिया। ये चार काम किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। पहला काम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तीसरा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और चौथा, सालबाई की संधि। लेकिन चार काम किया, आर्थिक सुधार किया, राजनीतिक सुधार किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और सालबाई की संधि। लेकिन इसके सुधार कहीं ना कहीं इनकंप्लीट थे, अधूरे थे। रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, जुडिशरी में सिर्फ एक आवरण ढांचा खड़ा कर दिया इसने। सिविल सर्विस भी अपने नेसेंट स्टेज में थी, शैशव अवस्था में थी। इसके सुधार किए तो इसने सुधार, ऐसा नहीं है, पर इसके सुधार अभी अधूरे थे। सुधार किया इसने? बिल्कुल सुधार किया, सुधार किया, लेकिन इसके सुधार अधूरे। इनकंप्लीट। और इस इनकंप्लीट सुधारों को बहुत शानदार तरीके से पूरा किया कॉर्नवालिस ने। द रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स वर गुड बट कॉर्नवालिस वॉज अ जीनियस। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो।
हैं? पूरी कहानी स्पष्ट? कार्नवालिस तो बहुत शानदार पढ़ाऊंगा इसको ना, इसके कारनामे सुनोगे तो एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, अरे बाप तो महान आदमी। अरे दीघे संकेत बताओ यार, तुम्हारी भी सुनते तो रहते हैं, कहां तुम लोग जो कहते हो नहीं सुनते हैं। बंद करो आप आज का मैटर, इतना खत्म। जय हिंद जय भारत।